इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये यूक्लिड क्या है। यूक्लिड हमारा एक नाम है, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनके नाम से ही यहाँ पर नाम दिया गया यूक्लिड ज्योमेट्री। इन्होंने ज्योमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बताए, ठीक है। उनमें से एक एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री है ना, वो दो नाम से मिलकर बना, एक होगा जियो, एक होगा मैट्रिक। जियो का मतलब हो गया अर्थ, मैट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो इस बार हम लोग बात क्या करेंगे, किसकी? एक्सियोम्स की और पोस्टुलेट, यही दो हम लोगों को पढ़ना है इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले एक्सियोम्स को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक, मतलब एक्सियोम्स ना मैथ के हर एक पार्ट में आपको मिलेगा, हर एक पार्ट में, चाहे वो स्टैटिक आप उठाओ, एलजेब्रिक उठा लो, टिग्नोमेट्री उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको हर जगह ये मिलेगा ही मिलेगा। ये एक तरह से बोल सकते हो ऑलराउंडर प्लेयर है, जो मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट में आपको ये दिख जाएगा। मगर पोस्टुलेट जो है ना, वो तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ ज्योमेट्री में ही मिलेगा, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। तो बेसिकली हम लोग अब बात करेंगे एक्सियोम्स की हर एक धीमे धीमे पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। एक पॉइंट्स को आराम आराम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक्सियोम्स का पहला पॉइंट है हमारे पास, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी चीज अगर किसी के इक्वल है तो वो दूसरे के भी इक्वल होगी। कैसे? देखो जैसे कि अगर हम बोल दें ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ए बराबर बी के, बी बराबर है ए के। तो हम यहाँ बोलते हैं सी इक्वल्स टू बी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो ए है ना वो भी बी के इक्वल हो गया है, और सी है ना वो भी बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सी है ना वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। समझ गए इतनी बात? समझ गया ना, क्लियर हुई बात? मतलब कोई भी चीज़, दो चीज़ एक ही चीज़ के इक्वल है, वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब टू पर आ जाओ, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर कह रहा है द इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। देखो यहाँ पर कोई भी दो इक्वल नंबर हम ले लेते हैं, बेसिकली यहाँ पर हमने टू ले लिया रेंडमली, ठीक है, फोर इक्वल्स टू फोर, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि फोर इक्वल फोर ही है। अब इसमें कह रहा है कोई भी हम लोग नंबर ऐड करें, मतलब कुछ भी ऐड करें जो इक्वल होगा, अगर हमने यहाँ ऐड कर दिया वन और यहाँ भी ऐड कर दिया वन, दोनों साइड सेम नंबर ही हम लोगों को ऐड करना है, तो जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा, मतलब ऐड करने के बाद, वो भी इक्वल आएगा। इनका क्या आएगा, फाइव इक्वल्स टू फाइव आएगा। समझ गए, सेम नंबर को सेम नंबर से ऐड करेंगे तो जो हमारा ऐड आएगा, मतलब सोल्यूशन आएगा, वो भी हमारा सेम ही आएगा। अब तीसरे में आ जाओ, इसमें कह रहा है द इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। तो सेम बिल्कुल टू की तरह, अब इसमें हमने ले लिया यहाँ पर टू है ना इक्वल्स टू टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इनमें हम लोगों को सेम नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया वन से, ठीक है, यहाँ पर वन से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, वन। तो वो सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सेम नंबर ही आए, वन इक्वल्स टू वन। समझ गया ये कॉन्सेप्ट। अब फोर्थ वाले को समझो, यहाँ लिखा है थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी चीज है ना वो आपस में एक दूसरे जैसी है, जैसी है लगातार, समझ लो। जैसे कि ये है ना जीरो नहीं है, ये एक तरह से सर्कल है, और ये सर्कल आपस में एक जैसा है। इसका रेडियस जो होगा वो रेडियस इसका भी होगा, और इसका जो डायमीटर होगा वो इसका भी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को समझते हैं। फिफ्थ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज तुम्हारे पास एक पिज्जा है, क्या है, पिज्जा है, ठीक है, इसके बेसिकली हमें लगता है चार पार्ट कर देते हैं या छह पार्ट कर देते हैं, इनमें से कोई भी एक पार्ट हम लोग अगर निकाल भी लेते हैं, है ना, तो वो पूरे पार्ट से क्या बड़ा होता है, नहीं होता, वो हमेशा छोटा ही होता है। यही चीज ये कह रहा है, अगर सपोज हमने ये वाला पार्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये पार्ट क्या अपने पूरे पिज्जे से बड़ा होगा, नहीं होगा, छोटा होगा ना, वही चीज इसमें कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये जो पूरा है ना ये हमेशा बड़ा होगा किसी भी एक पार्ट से। समझ गए इतना। अब इसी का सिक्स पार्ट देखो, सिक्स वाला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो यहां पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, डबल ऑफ द सेम थिंग्स, सपोज यहां पर हमने क्या ले लिया, x इक्वल्स टू कर दिया वाई, मार डबल ऑफ द सेम थिंग मतलब क्या हुआ, टू एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या है, डबल है ना, डबल है ये टू एक्स, यहां पर हमने ले लिया सपोज यहां पर टू जेड है ना, इक्वल्स टू टू एक्स ले लिया, या फिर जेड बोल दो, चलो हम लोग एक्स ही लेते, इक्वल्स टू कर देते हैं यहां पर जेड। तो यहां पर ये दोनों ना क्या इक्वल है, वाई भी इक्वल है टू एक्स के,
और जेड भी इक्वल है 2x के, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वाई इक्वल्स टू जेड, या फिर बोलते हैं जेड इक्वल्स टू वाई। देखो ये चीज़ ना इक्वल है आप दोनों के, समझ रहे हो ये चीज़, तो हम लोग इसे भी आपस में इक्वल ही बोल देंगे। तो अब सेवन्थ और इसकी लास्ट पॉइंट में आ जाओ, कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था, अब इसमें हाफ बोल रहा है, तो हाफ क्या हुआ 1/2 एक्स इक्वल्स टू, हमने बोल दिया ए, ठीक है, अब यहाँ पर कर दिया 1/2 एक्स इक्वल्स टू कर दिया बी। अब देखो ए ना, ए भी इसी सेम चीज के इक्वल है 1/x, मतलब 1/2 एक्स के, और बी भी हमारे 1/2 एक्स के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ए इक्वल्स टू बी, समझ गए इतनी बात। तो ये तो बात रही हमारे एक्सियोम्स की, अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट पहला पॉइंट है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ले जा सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया ये पॉइंट। अब इसका दूसरा देखो, इस सेकेंड पॉइंट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है ना, इसको हम लोग इन्फिनिटी तक कहीं भी खींच के ले सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक कितना भी आगे कर सकते हैं आप चाहो तो, कहीं भी कर दो। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एक लाइन को इन्फिनिटी लाइन तक, मतलब कहीं तक भी हम लोग इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं मिला के, ठीक है, खींच के नहीं, पकड़ के, कोई रबड़ नहीं है, मतलब इसका मतलब वह ड्रॉ करके ले जा सकते हैं। अब इसी का तीसरा पॉइंट ले लो, तीसरे पॉइंट में आ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। देखो एक सर्कल हम लोग किसी भी पॉइंट से, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी हम लोग सेंटर से, है ना, किसी भी सेंटर से बना सकते हैं, वो सेंटर आप कोई भी ले लो, हम लोग सर्कल बना ही लेंगे, या फिर हम लोग कोई भी रेडियस ले लें, रेडियस किसी भी रेडियस से हम लोग सर्कल बना ही लेंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ लिखा है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि जो भी राइट एंगल हैं वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। देखो ये राइट एंगल है, ये क्या होगा, राइट एंगल हमेशा 90 होता है, ये भी राइट एंगल हो गया, है ना, ये भी 90 हो गया, तो सब क्या है, इक्वल होंगे एक दूसरे के, 90 हो गया। अब हम लोग ऐसे बना दिए तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये सब क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री के राइट एंगल। तो अब हम लोग इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है जो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल लेस देन टू राइट एंगल। देखो यहाँ पर किसी एक लाइन दो लाइन के ऊपर से निकल रही है, फिर हम लोग इसका इंटीरियर, उनका इंटीरियर एंगल का जो सम अगर 90 से कम हो, देखो इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये पूरा इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसका सम क्या होता है, देखो अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये पूरा क्या हो गया, 180 हो गया, है ना, और ये हो गया 180, इनका सम अगर 180 से कम है तो वहाँ की लाइन ना एक जगह मिलेगी, वहाँ की लाइन मतलब क्या हुआ, एक देखो ये एंगल है ए हम मानते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया, ठीक है, ये एंगल है। अब किसी भी साइड की, सपोज इस साइड की जो हमारे पास एंगल है, ये दोनों को मिला दें, अगर हम ए ओ प्लस को, ए प्लस बी को मिला दें, अगर इनका सम 180 से कम आता है तो इसका मतलब ये हुआ जो ये लाइन है ना वो एक ना एक जगह जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी ज़रूर। अगर 180 है तो नहीं मिल सकती, मगर 180 से कम है तो ये मिलेंगी ज़रूर, यही हमारा फिफ्थ पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।